जाती है, लेकिन इस वक्त हम कुसमुंडा खदान के मुहाने में खड़े हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं खदान मेरे महज दो मीटर जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से केवल 2 मीटर की दूरी पर है और इसी तरह से ये खदान लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर ये बरपाली गांव के मुहाने पर है। मैं हमारे कैमरामैन सहयोगी मनीष महन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा दिखाएंगे एक बार आप लोगों को। ये जो है ये बरपाली गांव का है दृश्य और बरपाली गांव से लगा हुआ ये खदान है। आपको बताना चाहूँगा इस समय यहाँ खड़े होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि खदान में लगातार हो रहे ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ पर लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। अभी हम एक ग्रामीण के घर गए थे, वो उनकी धर्मपत्नी खाना बना रही थी, ठीक उसी समय घर ब्लास्टिंग हुआ और ब्लास्टिंग से पूरा झरझरा कर घर का एक हिस्सा नीचे जा गिरा। महिला का कहना है कि बड़ी मुश्किल से वो जो है जान बचाकर वहां से भागी है, अगर छोटे बच्चे होते तो वो पूरा घर का जो मलबा है उस बच्चे के ऊपर गिर जाता। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि लगातार उनके द्वारा शिकायत किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत तेज ब्लास्टिंग होती है, उन्हें यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। बावजूद इसके कुसमुंडा प्रबंधन अपना काम अपने तरीके से कर रही है, उन्हें ग्रामीणों के जीवन से कोई सरोकार नहीं है, जिसका ताज़ा उदाहरण हम इस समय आपको दिखाने वाले हैं। निश्चित रूप से ये जो ब्लास्टिंग है, हैवी ब्लास्टिंग, अभी फरवरी का महीना है, इसके बाद मार्च महीना है जो कि क्लोजिंग का महीना होता है। इनका उत्पादन को जो लक्ष्य है इनको पूर्ण करना है, इस कारण प्रबंधन के द्वारा बहुत ही हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है और इस ब्लास्टिंग की गूंज, इस ब्लास्टिंग की धड़क कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो सोचिए कि जो महज 20-30 मीटर की दूरी पे जो इनका घर है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा। का नाम है आपमन के? राधिका। का घटना हुई से आपमन से? अब गैस खत्म हो गए तब सब्जी बनाऊ के ओदे लकड़ी लेगे रहे चूल्हा ल, तब अचानक एकदम भाग ले छोटे लड़का लगी लेके गए, भागे नहीं से रहते एकदम गिरिस था, अचानक से एकदम गिर गई झरझरा ले, तब मैं भागत भागत वहाँ एकदम सांस भर जात रही से। कैसे हुई घटना? अभी ब्लास्टिंग हुई तेकरे वजह से खोजे चेजी खोजे एक दिन नो ही टाइम ले कु टाइम होते, कोई दिन 3:30 कोई दिन 2 बजे कोई दिन 2:30 बजे कोई दिन बिहान नहीं होती 6 बजे। एसीसीएल के अधिकारी मन से शिकायत नहीं करे कर बारे में? करते चलते बस आही तहा देखो ही हो ही नहीं हला निकाले न कुछ करे, तो कुछ मांग नहीं करे अभी तक हटाए के मेरे लिए प्रबंधन कुछ बात नहीं करे अधिकारी मन? आते जी सुन थे कथे ए दे हो जाही 30 तारीख के हो ये महीना होले हो जाये महीना ले हो जाये कहा कहा तो कई साल हो जाते, फिर ज्यादा किया हो गई से ना एकदम नजदीक में आ गए। तब अभी आप मन का चाहत अभी? हमें तो अब निराहन कहा था जी, अब रहबे नहीं करते रोजे केला केतु के चाहे जान के एक दिन ना एक दिन छोटे छोटे लड़का आप बुता काम चल देबो गरीब आदमी छोड़ के गिराबो, अब लड़का मन थोड़े जान ही। बहुत बड़े पत्थर गिरे अगर जान चाहते तिस्ता हमारे घर में गिर जाते तिस्ता। अच्छा यही पत्थर खदान से छिटक से परसों के गिरे है? छिटक के खदान ले? हाँ खदान ले गिरे है, ये खदान है कदोनी और है ना, और ये आप मन के घर है? ठीक है, तो इतना बड़े बड़े पत्थर जो है ब्लास्टिंग के दौरान उछल के गिरते है ना? बाप रे बहुत बड़े पत्थर है। तो नाम है आप मन के? आरती महान। ब्लास्टिंग से हमारा तकलीफ हो थे, घर भी पूरा हिला थे, वॉशिंग मशीन में भी गिर गए ब्लास्टिंग, सीट भी फूट गए, बच्चा ला पकड़ के और जा था जाइन तो कहाँ जाइन, कितना जोर से ब्लास्टिंग होते? बहुत जोर से। मन शिकायत नहीं करा कि हमारे विस्थापन बा बसावट बा कुछ बात नहीं करे प्रबंधन अधिकारी में? नहीं आए तो करा था लेकिन सुनत नहीं। अभी का लगते आप मतलब जैसे ब्लास्टिंग होते घर के अंदर रहता तो कैसे डर लगते आप मतलब? ऐसे लगते जैसे जाने चल दी टाइप लगते। ब्लास्टिंग गई तो झझन गई से नजदीक में हमारे घर द्वार हरे, अब ब्लास्टिंग प्रार्थना फेंका थे और बीन बीन के मेहती रखा था देखाइज के खातिर। हाँ ब्लास्टिंग होते तो हम लोग पाथे और सूते बसे रहन बैठे रहन तो घनी ढाई जी गिरत रहते तो भागरे भागरे कथन तो कहाँ ती भाग में उसके जार के जोरदार चलत रहते ब्लास्टिंग, तो आए जी दे तो ब्लास्टिंग हुई से तो हलेती है टूटे है।
नोट कोई नहीं लागे है अभी सब झरझिर झरझिर करते तो कदाय झरझिर झरझिर करते से सात घाव फोर थे अच्छा। से तो घाव दौलत रहते मर घर उपकत रहते। कैमरा पर्सन मनीष महान के साथ ओम गवेल की रिपोर्ट।